Hey guys, we're going through the recipe of the masala egg curry. Let's go through the comments and see what we can find. Can I use whipped cream instead of fresh cream? No, stick to fresh cream. Whipped cream se nahi chalega. Natasha Nazareth says, can this be made eggless? Eggless? Again, it's masala egg curry. Can it be made eggless? That's a challenge. Let's do it. I think I can make eggs with paneer. Let's see. Tomato, green chilies, ginger garlic paste, धनिया के बिना तो कुछ नहीं होगा तो धनिया तो चाहिए ही एंड सम क्रीम टोमेटो प्यूरे आई थिंक वे गुड तो हमारी इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं सो लेट्स रिक्रिएट अ बॉइल्ड एग यूजिंग पनीर इट्स अबाउट 250 ग्राम्स ऑफ फ्रेश पनीर जस्ट कट दिस इन स्मॉल पीसेस अगर बड़ा ग्रेट करे या छोटा ग्रेट करे डजंट मैटर ओके देयर वी गो ये तैयार है नेक्स्ट वी आर गोना ऐड सम मैश्ड बॉइल्ड पोटैटोस हाफ अ कप ऑफ इट विल हेल्प बाइंड द होल एग टुगेदर थोड़ा सा नमक वी गोना ऐड सम कॉर्नफ्लावर टू जस्ट ब्रिंग द होल पनीर एंड पोटैटो मिक्सचर टुगेदर ओके I think my hands will work better in this. You need to combine it really well and make it really smooth. The potatoes, after you boil them, keep them warm. If you have cold potatoes, they might form lumps in the mixture and you won't get an even white color. So as you see, it's almost become like a dough type consistency. What we're going to do next is basically split this in two halves. We'll add some turmeric to this half. We'll create the yolk using that and the outer covering will be from the white mixture. 1/4 a teaspoon of haldi and let's mix that. अब बनाएंगे अंडे थोड़ा सा हाथों में तेल रब कर दीजिए We'll start with the yolk. So we're going to create small egg yolks. तो ये बन गया हमारा yolk. And then we're going to make the egg white. ये जो पनीर और पोटैटो का जो मिक्सचर है उसमें हम अब स्टफ करेंगे ये yolk. सील कर देंगे एजेस एक चीज़ ध्यान दीजिए जो अंदर का जो योग का जो बॉल डाला है हमने उसे ज़्यादा प्रेस मत कीजिए नहीं तो वो शेप ज़रा डिसफिगर हो जाएगा शेप इट लाइक एन एग एकदम अंडे जैसा दिखना चाहिए दैट्स आर फेक एग एकदम नकली अंडा बनाया हमने एक दो और बनाते एंड देयर यू गो हमारा दूसरा अंडा भी तैयार है तो इसे अब हम रख देते हैं साइड पे बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग द ग्रेवी फॉर दिस सो लेट्स स्टार्ट चॉपिंग अप नेक्स्ट हम काटेंगे बड़ा टमाटर अगर टमाटर आपके छोटे हैं ये साइज से तो अबाउट दो टमाटर लगेंगे इसका सीड हम निकाल देते हैं वी जस्ट डोंट यूज द सीड्स बिकॉज इट गिव्स अ लिटिल टेक्सचर डिफरेंस होता है ग्रेवी में तो स्मूथनेस के लिए ओनली फ्लैश ऑलमोस्ट थिक जूलियंस काट देंगे तो कैसे भी ये टमाटर एक्चुअली गलने ही वाले हैं लेकिन थोड़ा छोटा काटेंगे तो अच्छा होगा ये टमाटर रेडी दो हरी मिर्च थोड़ा कम तीखा चाहिए तो सीड्स निकाल सकते हैं क्योंकि मोस्टली इसके स्पाइस जो होती है इनके सीड्स में होती है धनिया हमें चाहिए क्योंकि इट गिव्स अ नाइस एरोमेटिक अर्बी फील टू द ग्रेवी जब आप एक बार धनिया काटते हैं तो उसके ऊपर वापस से ज़रा चाकू मत चढ़ाइए क्योंकि उसका कलर डिसकलर हो जाता है आई कैन ऐड धनिया टू ऑलमोस्ट एनी थिंग सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग कोई भी कढ़ाई ले लीजिए थोड़ा तेल वेजिटेबल ऑयल एनी सनफ्लावर ऑयल एनी ऑयल कैन वर्क फॉर दिस थोड़ा हाई हीट या मीडियम पे रख सकते हैं हीट सो लेट्स जस्ट फ्राई दिस टिल यू गेट अ नाइस गोल्डन कलर सो आई एम गोइंग वन नाइस सिजल दैट्स यू वांट एक्चुअली तेल ठंडा होगा तो एक्चुअली तेल अब्सॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर बट यू डोंट वांट दैट तो तेल शुड बी नाइस एंड हॉट ताकि एक क्रस्ट फॉर्म हो जाए एंड द फेक एग्स डोंट बिकम सॉगी
से अबाउट 2 मिनट के बाद इसे टर्न कर देंगे एंड जस्ट कीप रोटेटिंग टिल ऑल द सरफेस बिकम नाइस एंड गोल्डन ब्राउन. यू जस्ट वॉन्ट द इनसाइड टू हीट अप एज वेल बिकॉज ये एक्चुअली ग्रेवी में उतनी नहीं पकेगी, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट ग्रेवी में डाल देंगे तो ये पूरी गल जाएगी. नाइस एंड क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड एंड नाइस एंड सॉफ्ट ऑन द इनसाइड. तो दीज आर एग्स और अब बनाते हैं ग्रेवी. इसमें डालते हैं थोड़ा घी, आई लव घी. अबाउट 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 लौंग, 2 पीस इलायची या ग्रीन कार्डमम. इसमें डालेंगे अनियंस. अनियंस पकाना है जब तक एजेस है इनके जब कैरमलाइज होने लगेंगे, दैट्स व्हेन यू वांट टू ऐड द रेस्ट ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स. द रीजन व्हाई वी वांट द अनियंस टू ब्राउन अ बिट बिकॉज इट ऐड स्वीटनेस टू द डिश. सो द मोर यू कैरमलाइज इट द मोर फ्लेवर इट इम्पार्ट्स इनटू द ग्रेवी. ऑलमोस्ट रेडी. नेक्स्ट सम ग्रीन चिलीज व्हिच वी हैड चॉप्ड, 1.5 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. कंटिन्यू टू कुक दिस फॉर अनदर 2 मिनट. नेक्स्ट इसमें डालेंगे टमाटर, सीजन विद सम सॉल्ट. यू नीड टू ऐड सॉल्ट हर स्टेप पे. एडिंग सॉल्ट एट डिफरेंट स्टेजेस इम्प्रूव्स द टेस्ट. सो यू नीड टू कीप टेस्टिंग, यू नीड टू कीप एडिंग सॉल्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस. टोमेटोज आर विल्टेड नाउ, थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं. इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा पानी. Cover this and cook it for about 2 minutes. When you cover this and cook, it just builds up steam which will soften the tomato. If you cook it without the lid, you'll end up evaporating most of the water, which is not what you want in this. Smash it up really nicely. Ab isme dalenge about 1 small bay leaf, some tomato puree, about 1 teaspoon of chili powder. कश्मीरी चिली पाउडर से थोड़ा कलर आएगा. लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला एंड कुक दीज स्पाइसेस एंड द टोमेटो प्यूरे फॉर अनदर 2 to 3 मिनट. सो यू वांट टू कुक दिस टिल द ऑयल सेपरेट. अगर आपका मसाला थोड़ा चिपक जाता है या थोड़ा जल जाता है या आप चले गए टीवी देखने के लिए और थोड़ा सा जल गया है, ज़्यादा जल गया तो फेंक दीजिए, थोड़ा जल गया तो थोड़ा सा पानी डाल के जस्ट रिमूव इट फ्रॉम द बॉटल, स्क्रेप इट ऑफ. लिटिल मोर वाटर. तो इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ कैजू पेस्ट. कैजू के जो अर्दी फ्लेवर्स है, नटीनेस अरोमा जो आएगा वो आपको उभर के आएगा ये ग्रेवी में. लुक्स लाइक अ नाइस शाइनी रिच ग्रेवी. नेक्स्ट इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रीम. प्योरे थोड़ा बढ़ा देंगे तो थोड़ा नाइस रेडनेस आएगा, बट दिस इज नाइस ऑरेंज फुल ऑफ फैट ग्रेवी. अच्छा, आई शुडंट से फुल ऑफ फैट बिकॉज पीपल भाग जाएंगे, फिर कमेंट्स में लिखेंगे सो मच घी. फैट इज फ्लेवर. ओके, लेट्स फिनिश दिस ऑफ विथ 2 crazy ingredients. धनिया, अगर मेरा बस चले मैं आइसक्रीम में भी धनिया डाल दूंगा. नेक्स्ट वी हैव सम कसूरी मेथी. बहुत सालों तक मैं इसे कस्तूरी मेथी बुलाता था, अभी फाइनली मुझे नाम याद आ गया कि इस कसूरी मेथी. कसूरी मेथी को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं बिकॉज इट्स मोस्टली एडेड ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर डिशेज बिकॉज इट एड्स अ नाइस फ्रेग्रेंस टू द डिश. एंड देयर वी हैव इट. आवर ग्रेवी इज रेडी, आवर एग्स आर रेडी. लेट्स मूव दिस ऑन द साइड. सो हियर वी हैव आवर एग. आई एम यूजिंग अ सरेटेड नाइफ. सो आई एम गोना कट दिस इन हाफ. सो दैट लुक्स लाइक अ बॉइल्ड एग. इट्स गॉट अ नाइस वाइट एक्सटीरियर एंड द योक इन साइड. So this we'll just place on top of our gravy. Let's take a kadhai, a gravy, and with that, 2 pieces of our egg, thoda sa dhaniya, cream, more coriander because too much coriander is not that bad. So, ये तैयार हो गई हमारे बिना अंडे की एग करी. I'm gonna get some people to taste it and let me see what they think about it. So, it definitely looks like an egg. I actually like this gravy a lot. The texture is kind of interesting. My mind wants to say egg, but I can see that it's not. Taste-wise, on a scale of 1 to 10, I'd give this a good 9.5. I thought it was yummy. Yeah, I think same here on taste, definitely 9 out of 10.